जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के तीसरे चरण का आज री एग्जाम वाला जो परीक्षा है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। अब यहाँ पर समस्या उठ खड़ी हुई है, क्योंकि मैंने सुबह आपको एक वीडियो बना के अपडेट भी किया था कि आपको कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी किया होगा, सही से डाउनलोड भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ कुछ समस्याएं आ रही हैं। हो सकता है कि उनमें से आप भी एक हो, तो समस्या क्या है यहाँ पर उसको समझते हैं। वेबकैम और आपका स्कैन फोटो में क्या अंतर हो रहा है यहाँ पर, और किसी के फोटो अपलोड नहीं हो रहा है तो किसी का वेबकैम वाला ही फोटो गलत आया हुआ है, तो ये समस्या का अगर समाधान आयोग ने नहीं कराया, एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया, तो बहुत सारे छात्रों का एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर सही से डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो आयोग से विनती करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि एडिट करने का ऑप्शन एक बार दिया जाए, जहां पे छात्र जो है अपना फोटो स्कैन वाला जो फोटो डाल रहे हैं वो सही से डाल सके। दोबारा अगर कहीं कोई भी गलती हो रही है या आयोग की तरफ से यहाँ पे कुछ यहाँ पर अगर ग्लिचे जा रही है वेबसाइट्स में, तो वो सही सुधार हो सके। मैंने एक छात्र का यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रयास किया तो उनका एडमिट कार्ड ऑलरेडी डाउनलोडेड दिखला रहा है। वहां पे ना तो उनसे फोटो मांग रहा है और ना ही नाम, और ना ही पिता का नाम, और ना ही यहाँ पर माता का नाम उनसे मांगा जा रहा है, तो ये समस्या आ रही है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके यहाँ पे दिखलाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आना होगा और ये जो सेक्शन है ये देखिएगा, ये जो सेक्शन है आपका ये अप्लाई ऑनलाइन वाला, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने सुबह भी बताया था, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो और इस पेज पे आ जाएंगे, देखिए। और यहाँ पे जो है अपना यूजर नेम डालिएगा और अपना पासवर्ड डालिएगा, जो आपके मैसेज SMS आए हुए हैं ये आपके ईमेल आईडी पे भी आपको मिल सकता है ना, जिस दिन आपका आया हुआ है, जिस दिन आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस दिन डेट में जाके चेक कीजिएगा। इस कैप्चे को यहाँ डालकर लॉग इन करना है। लेकिन यहाँ पर जो छात्रा लॉग इन कर रही है उनके साथ समस्या क्या आ रही है, मैं आपको लॉग इन करके दिखला देता हूँ यहाँ से। तो ये जो है समस्या आ रही है यहाँ पर कि जब यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, वो फोटो अपलोड करने का ऑप्शन अभी हटा दिया गया, यहाँ सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा था सुबह में कि आप अपना फोटो अपलोड कीजिए, 25 KB का फोटो है और यहाँ पे 250x250 पिक्सल का आपको फोटो अपलोड करना है 25 KB का। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राओं का हो रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पर एडमिट कार्ड करने का लिंक दे दिया जा रहा है, और यहाँ से जब अपना ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो इनका एडमिट कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है, ये एडमिट कार्ड कुछ इनका ऐसा दिख रहा है जहाँ पे जो है इनका देखिएगा तो ये फोटो किसी और लड़के का यहाँ पर आ चुका है। और ये समस्या एक छात्र के साथ या छात्रा के साथ नहीं हो रहा है, लगभग बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने मुझे मैसेज कर रहे हैं, जो मुझे मेल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आयोग तक ये चीजें पहुंचाई जाए। और आयोग तक पहुंचाने का कार्य आप लोगों को भी करना है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसके लिए एडिट का ऑप्शन दिया जाए, है ना। और ये एडिट का ऑप्शन आयोग जरूर देगा आप लोगों का कि यहाँ पे अपना फोटो जो है आप अपना डाल सके। ये देखिए एक छोटा हो सकता है कि वेबसाइट का ग्लिच होगा और ये शाम तक भी ठीक हो सकता है, इसलिए आप छात्र छात्राएं घबराएं नहीं, आपका एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा जहां पे ये फोटो ऑटोमेटिक देखिए किसी किसी का अपने आप जो है सेलेक्ट होकर आ जा रहा है और एडमिट कार्ड जो है उनका आ रहा है। अच्छा एक बात और बता दें कि जो परीक्षा पहले हुई थी उस परीक्षा में ये ऑप्शन नहीं, मतलब ये दिक्कतें नहीं आई थी, लेकिन ये ग्लिच जो है इस बार आ रहा है, तो इसलिए इसमें आयोग से विनती करूंगा और शिक्षा विभाग से भी विनती करूंगा कि इस पे ध्यान केंद्रित किया जाए और छात्रों को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए ताकि वो अपना यहाँ स्कैन फोटो डाल सके। अब जो भी छात्र यहाँ पे या छात्रा जो भी है वो अपना स्कैन फोटो जो भी डालेंगे यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा कि उनको 25 KB का फोटो डालना है ना, और जो पिक्सल होगा वो 250x250 का पिक्सल पे एडिट करके फोटो डालना है, ठीक है। अब ये जो है समस्या तो फिलहाल अभी आ रहा है बहुत सारे छात्रों का, क्या आपका आ रहा है? आप जितने भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और ट्विटर पे जाके बीपीएससी को ट्वीट किया जाए यहाँ पर, ताकि जो है यहाँ पर जल्द से जल्द इसका जो है निवारण निकाला जाए। और शाम तक आप लोग इंतजार कीजिए, नहीं तो इसका एक सॉल्यूशन यही होगा कि इसकी सुधार कैसे किया जाए, तो आपको ई डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बनवाने का फिर ऑप्शन देगा आयोग यहाँ पर, जिसके लिए आपको बीपीएससी कार्यालय जाना होगा। तो ये थोड़ी समस्या वाली चीज हो जाएगी कि आपको बहुत सारे से छात्र फिर बीपीएससी पहुंचने लगेंगे, और उससे पहले ये शायद बीपीएससी कर दे यहाँ पर कि
आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ पर दे दे, है ना, तो एडिट का ऑप्शन दे देता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर ई डुप्लीकेट एडमिट कार्ड के लिए आपको बीपीएससी यानी कि पटना कार्यालय जाना पड़ सकता है। तो यही एक इसका सुधार का ऑप्शन हो सकता है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी जानकारी दी है, जिन भी छात्रों के साथ समस्याएं हो रही है प्लीज उनका जो है मदद करें और सभी जो है वीडियो को शेयर करें ताकि आयोग तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, जैसे ही इसमें सुधार होता है मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना के अपडेट कर दूंगा। जय हिंद।